नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो मात्रा है ये अंग का मात्रा है, इसको अंग पढ़ते हैं, ठीक है। इसका नाम अनुस्वार भी है, इसको बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। ये अंग जो है ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन के श्रेणी में आ जाते हैं, ये स्वर नहीं है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसको अंग पढ़ते हैं, अंग को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यानी अनुस्वार है, ये अनुस्वार इसको बोलते हैं। तो ऐसे अनुस्वार बोलने में थोड़ा सा ये होगा, जो पढ़ना है वही बोलेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा पढ़ने में और याद करने में, ठीक है। तो यहाँ पे अब पढ़ते हैं इसको, क जोड़ अंग बराबर कंग, क और अंग जोड़ करके हो गया कंग। उसके बाद ये ख जोड़ अंग बराबर खंग, ऐसे ही पढ़ना है और याद कर लेना है, ठीक है। इसी तरह यह ग जोड़ अंग बराबर गंग, घ जोड़ अंग बराबर घंग, इसका यूज नहीं है। यह है ड जोड़ अंग बराबर रंग, च जोड़ अंग बराबर चंग, ठीक है। ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, छ जोड़ अंग बराबर छंग, ज जोड़ अंग बराबर जंग, झ जोड़ अंग बराबर झंग, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको भी पढ़ना है और इसको याद कर लेना है, ठीक है। ठ जोड़ अंग बराबर टंग, ठ जोड़ अंग बराबर ठंग, ढ जोड़ अंग बराबर डंग, ढ जोड़ अंग बराबर ढंग, फिर ढ जोड़ अंग बराबर ढंग। देखो कितना आसान है, ये याद कर लेना है। अड़ा जोड़ अंग बराबर अड़ंग, थ जोड़ अंग बराबर तंग, थ जोड़ अंग बराबर थंग, ध जोड़ अंग बराबर दंग, उसके बाद ध जोड़ अंग बराबर धंग। ये बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा। न जोड़िए अंग को जोड़ देंगे न में तो ये हो जाएगा नंग। प जोड़ अंग बराबर पंग, फ जोड़ अंग बराबर फंग, ब जोड़ अंग बराबर बंग, यहाँ भ जोड़ अंग बराबर भंग। तो ऐसे ऐसे पढ़ लेना है, देख रहे हैं कैसे हो रहा है। जैसे ये म है, अंग जुड़ करके ये क्या हो जाएगा, मंग। य है, अंग जुड़ करके यंग हो जाएगा। र है और अंग जुड़ करके रंग हो जाएगा। ये ल है, ल में अंग जोड़ देंगे तो ये बोलेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, लंग। व जोड़ अंग बराबर वंग, ठीक है। तो ऐसे ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। अब ये देखिए, स जोड़ अंग बराबर संग, स जोड़ अंग बराबर संग, स जोड़ अंग बराबर संग, ह जोड़ अंग बराबर हंग, ठीक है, हंग, च जोड़ अंग बराबर छंग। एकदम पूरा ना नहीं लाना है, नहीं ग, ठीक है। उसके त्र जोड़ अंग बराबर त्रंग, ग जोड़ अंग बराबर ग्यंग, तो ऐसे याद कर लेना है, देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार या बिंदु। या ये सब याद नहीं होगा तो आपको अंग याद रखना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया तो आपको ऐसे याद कर लेना है। याद करने के बाद आप एक बार ऐसे पढ़ लेंगे, कंग खंग गंग गंग, ऐसे पढ़ लेना है एक बार, जब 4 से 5 बार आपको ये सब जो प्रैक्टिस कर लोगे, अभ्यास कर लोगे, तब इसके जो अक्षर से बने हैं शब्द उसको बताता हूँ, ठीक है। वो आपको याद आने लगेगा, मतलब वो पढ़ने आने लगेगा, ठीक है। तो उसको बता देता हूँ। तो देखिए जो चीज़ हम बता रहे थे यहाँ पे हिंट में दिया हुआ है, यहाँ भी दे दिया है, ठीक है। तो ये जो शब्द है, अंग से जो बने हुए शब्द है वो है, इसको पढ़ते कैसे हैं तो देख लीजिए। ये ब है, ब में अंग जुड़ा है, तो ये क्या हो जाए, बन द र, यह हो गया बंदर। म य पर अंग जुड़ा है तो यंग, क यह हो गया मयंक। ये तलावे स है, इसके पर जुड़ा है अनुस्वार, तो संग ख यह हो गया संग। दंग गा, ग में आ है इसलिए गा, यह हो गया दंगा। जंग ग, ज में अनुस्वार है जंग ग, यह हो गया जंग। उसके बाद ये बह जोड़ अंग है तो ये जुड़ करके भंग ग, भंग हो गया। उसके ग पर अनुस्वार है यानी
अंग का मात्रा है, तो गंग ग में आ का मात्रा है ये, तो ये हो गया गंगा। उसके बाद पंग अंग जुड़ गया है, तो पंग ख में आ का मात्रा जुड़ा है तो खा, ये हो गया पंखा। उसके बाद ल में अंग का मात्रा जुड़ा है तो लंग, ग में ऊ का मात्रा जुड़ा है तो गु और, ये हो गया लंगूर। उसके बाद ये अंग तो है ही, ग में ऊ का मात्रा जुड़ा है तो गु और, ये हो गया अंगूर। उसके प तंग में अंग जुड़ा है तो तंग ग, ये हो गया पतंग। उसके बाद ये ब है, अंग का मात्रा जुड़ा है तो बंग, ग में आ का मात्रा जुड़ा है तो गा और ल, ये हो गया बंगाल। उसके बाद ल में अंग का मात्रा जुड़ा है तो लंग, क में आ का मात्रा जुड़ा है तो का, ये हो गया लंका। उसके बाद ये झंडा लिखा है तो झ में अंग का मात्रा जुड़ा है तो झंग, ड में आ का मात्रा जुड़ा है तो डा, ये झंडा हो गया। उसके बाद प में अंग का मात्रा जुड़ा पंग, ख में आ का मात्रा जुड़ा है तो खा, इसको ऐसे तोड़ के पढ़ेंगे पंग खा, ये हो गया पंखा। उसके बाद संसार, इसको संसार पढ़ेंगे, स में अंग का मात्रा है, स फिर है जो है इसमें आ का मात्रा है, र, ये हो गया संसार यानी संसार। उसके बाद ये देखिए बंदर है, ब में अंग का मात्रा जुड़ा तो बंदर, बंदर, ग में ए का मात्रा जुड़ा है फिर अंग का मात्रा है, देखिए इसमें दो दो मात्रा जुड़ा है, तो ग में ए का मात्रा जुड़ा तो गे और फिर अंग का मात्रा जुड़ा है तो गेन। उसके बाद द जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा गेंद। उसके बाद देखें ये स में उ का मात्रा जुड़ा है तो सु, र में अंग का मात्रा तो रंग, ग सुरंग हो गया। उसके बाद ज में अंग का मात्रा जुड़ा तो जंग, ग ल, ये हो गया जंगल। उसके बाद म में अंग का मात्रा जुड़ा है तो मंग, ग ल मंगल। उसके बाद ये शंकर लिखा है तो स में अंग का मात्रा जुड़ा है तो शंकर, शंकर। उसके बाद क में अंक का मात्रा जुड़ा तो कंग, ध में आ का मात्रा तो धा, कन धा यानी कंधा हो गया। उसके बाद ये अंगद लिखा है तो अंग ध, अंगद, अंग है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है तोड़ तोड़ करके, एक बार दो बार इसे समझ लेना है, उसके बाद ये पढ़ना है इस तरह बंदर, बंदर, मयंक, मयंक, शंख, शंख, दंगा, दंगा, जंग, जंग, ऐसे दो तीन बार पढ़ लेना है तो पढ़ने आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये नीचे वाला जो शब्द है इसको बता देता हूँ, ये देखिए ये ल में अंग का मात्रा जुड़ा है, ग में ऊ का मात्रा और, ये हो गया अंगूर। ये अंगूर लिखा है तो अंग, ग में ऊ का मात्रा और, ये अंगूर हो गया। उसके बाद ये ख में आ का मात्रा तो खा, उसके र ह में आ का मात्रा है तो रहा है यानी लंगूर, अंगूर खा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ लंगूर, क में ई का मात्रा जुड़ा है तो की, प में अंग का मात्रा भी है फिर ऊ का मात्रा भी है, दो दो मात्रा इसमें जुड़ा है तो पूंछ यानी पूंछ पढ़ते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये ब अड में ई का मात्रा है तो ड़ी, ये हो गया बड़ी है यानी लंगूर की पूंछ बड़ी है। उसके बाद ये दूसरा लिखा है तो द में ऊ का मात्रा, स र में आ का मात्रा तो रा, ये हो गया दूसरा। प में ए का मात्रा है अड, ये हो गया पेड़। प र पर बंदर लिखा है, ये ब में अंग का मात्रा है द र बंदर। उसके बाद लटक रहा है यानी दूसरा पेड़ पर बंदर लटक रहा है। उसके बाद ये देखिए ल में अंग का मात्रा है तो लंग, क में आ का मात्रा तो ये हो गया लंका। उसके क में आ है तो का, र में आ है तो रा, ज में आ है तो जा, राजा। फिर र में आ है व अण, तो ये हो गया रावण था यानी लंका का राजा रावण था। उसके बाद ये प त में अंग है तो तंग, पतंग। न ऊ अण में आ का मात्रा है तो उड़ा, ये हो गया उड़ा, पतंग न उड़ा। ग में ए का मात्रा भी है, अंग का भी मात्रा है तो गे अंग, द गेंद हो गया। उसके बाद खेल, खेल हो गया, ख में ए का मात्रा है। उसके बाद अ है, अंग मतलब जुड़ा है, अंग तो है, तो अंगद, अंगद हो गया। न में ए का मात्रा है तो ने। प
में ए के मात्रा है तो पैर पैर, ज म में आ है फिर य में आ है, तो ज माया, योगे जमाया, अंगद ने पेड़ जमाया, पैर जमाया, ठीक है। उसके बाद स में अंग है तो शंकर, शंकर, भ ग व में आ का मान है मात्रा है तो वा न, ये हो गया भगवान। क में ई का मात्रा है तो की, प में ऊ, ज में आ का मात्रा है तो जा, पूजा कर। उसके बाद ये पंखा, प में अंग है ख में आ है तो पंखा, तो में ए का मात्रा है तो तेज, तेज, न च ल में आ का मात्रा है तो ला, ला, पंखा तेज न चला, ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे भी आपको टोड़ टोड़ के समझ समझ के पढ़ लेना है 4 से 5 बार। उसके बाद आपको एक बार में पढ़ना है यानी स्वर का पढ़ना है, बिना टोड़ टाड़ के पढ़े हुए। सीधा पढ़ेंगे बंदर, मयंक, शंख, दंगा, जंग, भंग, गंगा, पंखा, लंगूर, अंगूर, पतंग, बंगाल, लंका, झंडा, पंखा, संसार, बंदर, गेंद, सुरंग, जंगल, मंगल, शंकर, कंधा, अंगद। देख रहे हैं, जब इस तरह तोड़ के पढ़ लोगे तब ऐसे पढ़ने आपको आएगा। उसके बाद इसको भी पढ़ लेते हैं, ये देखिए, लंगूर अंगूर खा रहा है, लंगूर की पूंछ बड़ी है, दूसरा पेड़ पर बंदर लटक रहा है, लंका का राजा रावण था, पतंग न उड़ा, गेंद खेल, अंगद ने पैर जमाया, शंकर भगवान की पूजा कर, पंखा तेज न चला। ऐसे पढ़ लोगे, ऐसे आपको भी 3 4 से 5 बार पढ़ लेना, दिमाग में आपका बस जाएगा, ठीक है। एक और ऐसा पेज है, उसको भी दिखा देते हैं जल्दी जल्दी। देखिए लिखा है, पढ़िए और समझिए। तो टोड़ टोड़ के पढ़ना तो बता ही दिए हैं, तो हम एक बार में पढ़ लेते हैं। अंग, ढंग, कंस, ठंडा, चंदा, नंगा, रंग, बंद, मंद, कंधा, फंदा, चंगा, संग, डंक, झंडा, अंधा, गंदा, कंधा। यहाँ लिखा है यह शंकर भगवान का मंदिर है, यहाँ पे कह रहा है। इसके बाद मंदिर की चोटी पर केसरिया रंग का झंडा लहरा रहा है, मंदिर के बगीचे में मोर घूम रहा है, मोर बहुत सुंदर है, मंदिर गंगा किनारे स्थित है, गंगा का पानी बहुत ठंडा है, ठीक है। देखिए आसान है ना। उसके बाद ये बता देता हूँ, संजय, मंगल और संगीता मंदिर में गए, तीनों ने मंदिर का घंटा बजाया, शंख बजाया। देख रहे हैं, अनुस्वार यानी अंग के मात्रा सब में जुड़ा हुआ है। देखिए ये मंदिर में भी जुड़ा है, तो मंदिर में पंडित जी ने आरती की, पंडित जी ने सबको अंगूर दिए, आरती के बाद तीनों बाहर आए, बाहर पेड़ पर लंगूर और बंदर बैठे थे, संजय और मंगल ने बंदरों को अंगूर दिए, अंगूर लेकर बंदर पेड़ पर चढ़ गए। देख रहे हैं, ये अंक मात्रा का यूज है, प्रयोग है। यहाँ पे देख लीजिए, ये दिखा दे रहे हैं आपको, ये खाली जगह आप भर करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यहाँ कह रहे सही जगह पर अंक की मात्रा यानी ये अनुस्वार की मात्रा लगाकर शब्दों को शुद्ध करें, लिखें, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है रग, तो इसमें अंक मात्रा जुड़ जाएगा तो रंग हो जाएगा। उसके बाद भीटी लिखा है तो अनुस्वार जोड़ देंगे यानी अंक मात्रा, तो भिंडी हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें करना है। ये है आपका बंदूक, तो इसमें अनुस्वार लगा देंगे यानी अंग मात्रा तो बंदूक हो जाएगा। सिंह है तो इसमें अनुस्वार लग जाएगा तो सिंह हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है। तो ये कमेंट बॉक्स में आप ऐसे जो 9 शब्द है इसको कर लेना है, ठीक है। यहाँ भी भर लेना है, कह रहा चित्र देखकर शब्द लिखिए, तो चित्र यहाँ पे है,
देख लीजिए, ठीक है। सही शब्द चुनकर लिखना है, यहाँ पे सही शब्द इसमें से चुनकर इसमें लिखना है, ये अंगूर देख करके इसमें लिखना है, तो लिख करके आप प्लास्टिक कर सकते हैं, ठीक है। मोर बहुत, यहाँ पे क्या होगा, अंगूर है या सुंदर, सुंदर है लिखा है, ऐसे बना लेना है। तो दोस्तों आज की क्लास में ये अंग यानी अनुस्वार को समझाने का प्रयास किया हूँ, तो ये कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब ही कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।